अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल सुपर कुकिंग विद तो नवैरा। छड़ दियो 2 मिनट दुनिया का खेड़ा। हाल है थोड़ा सज्जनों ते मित्रों, अज असीं तुहाड़े वास्ते नवीं डिश लैके आए हैं जिहदा नाम है कालू अड़ेले। सॉरी, आलू करेले। तो जी, यह मज़ेदार जी रैसपी असीं लैके आए हैं। तुसीं यह रैसपी बना के खाओगे तुसीं गोश्त करेलिआं नूं भुल जाओगे। एड्डी मज़ेदार रैसपी है, तो लो जी असीं शुरू करने हैं। लो जी, असी यह बर्तन असी पा लिया ने, हूँ आलू तेल सुटिया, तो असी हूँ आलू असी फ्राई करने ने। ऐसा ऐसा करके जो है ना आलू तुसी फ्राई कर लवो। यह जरा मैं कोई कढ़ाई नहीं कड़ रहा, यह मैं आलू जो है ना डिप कर रहा वा ताकि तेल में असी तरह फ्राई हो जाए। इदा देखिया है, हूँ इस तरह फ्राई आलू हो गए ने साढ़े। हूँ असी चेक करना चम्मच के नाल, ऐ नहीं चेक करना, खा के नहीं चेक करना तुम मेरे यार, मतलब तुम भी आलू खाई जाओ। हम साढ़े आलू जो फ्राई हो चुके हैं, ऐसी हूँ इन्होंने आलू कड़ के असी उस आयल के हूँ असी सुटने ने। जे असी निके 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 जो पीस किए हैं करेलिया के, असी पा लेने उन्होंने, तो असी हूँ भुनना है। तो असी इन्हों इंज नहीं पा लिया, असी इन्हों पहले धोता है, फिर इन्हों छिलिया, तो फिर असी टोटे किए हैं छोटे छोटे। फिर असी इन्हों जो है ना नमक ला के अद्धा घंटा असी उन्होंने छड़िया, फिर इन्होंने असी नहाया धोया, फिर असी इन्होंने अंदर फुटिया ताकि अच्छी तरह असी निचोड़िया। जिस तरह बीबियां शॉपिंग कर जाने अपने बंदे जेबां निचोड़दियां ने, उस तरह निचोड़िया ताकि कौड़े ना रहन, ठीक है ना जी। तुहानू कौड़ापन ना लगे, जिस तरह सस की गल तुहानू कौड़ी लग जाती है ना किसी टाइम अपनी, इस तरह तुहानू कौड़े ना लगन। सारी करवाहट इन्हां दी निकल गई है, फिर असीं इन्हां नूं हुण भुनिया, ठीक है जी। यह हूँ तुसीं यह कहना जी कि कलर उड़ गया, इन्हां दा कलर नहीं उड़िया जी, यह फ्राई हो गए ने। यह फ्राई होकर इदा ही होंदे ने, इदा ही लगते हैं फ्राई होकर। इन्हों असी अच्छी तरह के नाल फिर भी जो असी इन्हों भुन लिया ताकि कोई भी करेले का पीस जो ना रह ना जाए कच्चा, ताकि फिर जरा ना हांडी के कोई पीस इस तरह आए फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है जी। यह हूँ करेले असी फ्राई करके अच्छी तरह के नाल असी इनू भी जरा ना असी अलग बर्तन के असी इन्हों कट देना पे। फिर असी आयल उस आयल के अंदर हूँ असी पाने असी प्याज, जो असी 4 प्याज ले ने, 4 तो 5 तुम प्याज जरा ऐड कर लवो। उन्होंने छिल के ऐसी तरह इन्हों तुसी फ्राई करना, इन्हों फ्राई हाफ फ्राई करना, इन्हों तुसी उस तरह फ्राई नहीं उदा नहीं करना कि इन्हों तुसी साड़ के कोयला कर लवो। असी कहना भी करेला तड़का लाना वे, असी इन्हों हल्का जहा फ्राई करना ताकि इन्हों जो है ना अच्छे जी इन्हों की लुक नज़र आने लग पाए। जो अच्छे जी इन्हों की लुक नज़र आने लग पेगी तो फिर असी जो है ना इन्हों छड़ देना, असी इन्हों करी नहीं जाना फ्राई। प्याज साढ़े हो रहे हैं फ्राई, तो मैं तुहाडे नाल एक गल होर शेयर करना चाहना हाँ कि जो असी सब तो पहले आलू फ्राई किए हैं और 2 तो 3 तुसी आलू फ्राई कर लेने ने, उस तो बाद जो असी करेले फ्राई किए हैं 3 करेले सन, तो उस तो बाद 5 असी प्याज जो ने सी फ्राई करते कि हूँ ऐसे बंदे पे ने साढ़े। उस तो बाद जो असी देखो इन इन्ना क फ्राई करना हो बस कि इन्हों का कलर हल्का जहा इंज हो, फिर तुम नाल ही सुट देने टमाटर ये अंदर, तो टमाटर तुम सुट के उन्होंने जरा अच्छी तरह मिक्स मुक्स कर लेना ताकि आपस के जरा घुल मिल जा, आपस में जरा जान पहचान इन्हों की करा हो ये जरा अच्छी तरह की, तो जो है ना सी कि मलीदा नहीं कड़ना टमाटर का भी, ठीक है ना। 5 टमाटर असी ले ने, 5 टमाटर तुम्हें इन्हें भी धो धो के तो फिर ही पाने ने कट वट के, ठीक है। यह साढ़े प्याज से टमाटर देखो जी नरम हो गए ने, इन्हों जरा सही तरह भुन लिया असी जरा अच्छी तरह के नाल। रैसपी तुम बनाओगे तो इंशाल्लाह तुम्हें मजा आएगा, देखो जिनी है सिंपल है उन्नी माशाल्लाह मजे की रैसपी है। ऐसी दिन छुटे ने मसाले, मसाले असी कुछ ज़्यादा नहीं पाए, 2 चम्मच असी पाया नमक दे, 2 चम्मच असी पाए ने मिर्चा दे, 1 चम्मच असी पाया हल्दी का। इन्हों भी असी हूँ मिक्स कर लिया वे, तो रैसपी तुम बनाओ तो मज़ा आएगा, तुम याद करोगे कि तुम रैसपी बाकी है इंजॉय करोगे तुम इस चीज़ में। यही हम साढ़े फिर प्याज से टमाटर देखो जी ये नरम हो गए ने, एक जे हो गए नज़र आ रहे हैं। अब हम इसके अंदर करेले भी सूटेंगे, ये जो हमने करेले जो हमने फ्राई किए थे ना पहले वो हमने सूट देते हैं इसके अंदर, हम इसको भी जो है ना मिक्स करेंगे। इसको मिक्स मुकस करके जरा ना अच्छी तरह के नाल देखो इन भून लो थोड़ा सारा। ये हमने मटर नहीं छुटे इसके अंदर, ये हरी मिर्चें हैं, ये 4 हरी मिर्चें आप इसके अंदर डाल दें और इनू हरी मिर्चा भी जरा थोड़ा जहा भून लो, जरा इन्हें आकड़ कट जाए। ये हमने सूट देते हैं फिर एंड पे आलू, क्योंकि आलू सूटेंगे तो फिर ही बनेंगे ना आलू दे करेले, यानी कि आलू करेले, ठीक है जी। फिर इसको भी जो है ना हमने ये मिक्स करना है ऐसे ताकि ये एक जैसे हो जाए सारे, जो है ना जायका सबका एक जायका हो जाए सारी, जो हमारी रेसिपी हमने तैयार की है उसका जो जायका पूरा हमने एक ही रखना है, ठीक है जी। ये ऐसे हमने इसको मिक्स करके इसको हल्का सा हमने भून लिया है, ये जो हल्का हल्का सा हमने भूनना है ना, ये देखें ये हमने ऐसे भूननी है ये हांडी ताकि ये पूरी तरह रेडी हो जाए, समझे जी। अब ये हमारी जो है रेसिपी है ना ये अब रेडी है जी, ये देखें इधरों भी देखें जरा, देखा आया ना मुँह में पानी, हाँ 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 क्या रेसिपी हमारी तैयार हुई है।
अब आपने भी ऐसे ही इसको तैयार कर लेना है और फिर इसको जो है ना मजे लेके खाना है। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना है और ये देखें जी फाइनल लुक हमारी रेसिपी की। तो हमें अपनी दुआ में याद रखें जी, तब तक करिए हमें इजाज़त दें जी, फिर नई रेसिपी के साथ आपके साथ मिलेंगे बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।